हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद उम्मीदवारों की जारी कर दी है पहली लिस्ट। इसमें 20 उम्मीदवारों के हैं नाम। आपकी तरफ से कर दिया गया स्पष्ट कि कांग्रेस के साथ उसका नहीं हो रहा है कोई गठबंधन। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी आप। रेवाड़ी में सोमवार को दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी दाखिल किया अपना अपना नामांकन। कांग्रेस की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव और बीजेपी की तरफ से लक्ष्मण यादव ने दाखिल किया अपना पर्चा। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, जबकि बीजेपी प्रत्याशी के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रहे मौजूद। पानीपत की इसराना विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार व राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार के खिलाफ शुरू हो गई है बगावत। यहां से स्थानीय भाजपा नेता सत्यवान शेरा ने निर्दलीय लड़ने का कर दिया ऐलान। टिकट न मिलने से नाराज सत्यवान ने अपनी पत्नी के साथ 3 दिन पहले ही पार्टी से दिया था इस्तीफा। करनाल में भाजपा के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी शुरू कर दी है बगावत। नीलोखेड़ी सीट से टिकट न मिलने पर पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। वह धर्मपाल गोंदर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने से है नाराज। टिकट कटने से नाराज भाजपा के एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल किलोई ने छोड़ दी है पार्टी व भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में होंगे शामिल। उन्होंने कालानौर विधानसभा से भाजपा से टिकट के लिए ठोकी थी दावेदारी, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट देने के बजाय रेणु डाबला को बनाया है उम्मीदवार, जिस कारण सूरजमल किलोई ने बागी होने का सुनाया फैसला। हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत ही सधे अंदाज में गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर व बादशाहपुर से वर्धन यादव पर दांव लगाकर बीजेपी के सामने पेश कर दी है कड़ी चुनौती। कांग्रेस इनके जरिए यूथ वोटर्स में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की है कोशिश में। इसके चलते गुरुग्राम बादशाहपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर मुकाबले की बन रही है स्थिति। हरियाणा की बागल बेल्ट में उलझ गई है कांग्रेस। यहां 21 सीटों में से महज 4 ही टिकट बांट पाई है कांग्रेस। कांग्रेस 15 दिन से टिकट पर कर रही है मंथन, मगर बागल बेल्ट में पूरी तरफ फंस गई है कांग्रेस। इन सीटों में से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एक दूसरे के समर्थकों को टिकट दिलवाने की कर रहे हैं लॉबिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अम्बाला शहर में मंत्री असीम गोयल के नामांकन में सीएम नायाब सैनी हुए शामिल। उनके स्वागत में सिटी में बनाए गए स्वागत द्वार, इसी में से एक स्वागत द्वार में लग गई आग। कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे पटाखों के कारण लगी है आग। हरियाणा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की सोमवार को अचानक बिगड़ गई तबीयत। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। यहां डॉक्टरों ने बताया उन्हें हुआ इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट के बाद उन्हें दे दी गई छुट्टी। डॉक्टरों ने बाबरिया को आराम करने की दी है सलाह। उत्तर रेलवे ने बजरंग पुनिया विनेश फोगाट के इस्तीफे को कर लिया स्वीकार। अब दोनों पहलवानों का विधानसभा चुनाव लड़ने का साफ हो गया रास्ता। कांग्रेस में शामिल होने से पहले दोनों पहलवानों ने रेलवे की नौकरी से दिया था इस्तीफा। इससे पहले उनके चुनाव लड़ने में संशय की उत्पन्न हो गई थी स्थिति। तो ये थे हरियाणा के अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनालाइज।